हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। एक्चुअली सी इज माय क्लासमेट हर्षिता गुप्ता और सी हैज जस्ट क्लियर्ड इन्फोसिस। सो मुझे लगा कि यार एक जर्नी वीडियो और एक अच्छा सा जो भी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं यार वीडियो में वो हम ले सकते हैं, तो मैंने सोचा कि साथ में कोलैब कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो, काफ़ी कुछ निकलने वाला है, तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षिता, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि यू हैव जस्ट क्रैक्ड इन्फोसिस। सो यार सबसे पहले लोगों को, यार मेरी जो यूट्यूब ऑडियंस है उनके लिए थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, लाइक थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए आपके बारे में कुछ। थैंक यू सचिन। मेरा नाम हर्षिता गुप्ता है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ ऑनर्स मैथ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और अभी मैंने 2022 में मैं एमसीए पास आउट हो जाऊंगी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपना एमसीए कंप्लीट किया है और मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन हुआ है एज अ सिस्टम इंजीनियर रोल। सो बहुत अच्छे। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी, जो कि एक्चुअली हम लोगों के कॉलेज में ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो सी हैज जस्ट क्रैक्ड ऑफ कैंपस। सो हम सब जानते हैं कि ऑफ कैंपस कितना मुश्किल होता है, एक्चुअली बहुत कॉम्पिटिशन होता है मार्केट में। सो बहुत अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हर्षिता, लाइक एज यू सेड कि आप सिस्टम इंजीनियर बनने जा रहे हो, सो एक्चुअली क्या रोल होता है सिस्टम इंजीनियर का, क्या फील्ड पे काम करोगे, क्या टेक स्टैक पे काम करोगे, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहो तो। सबसे पहले सिस्टम इंजीनियर रोल में आईटी और नॉन आईटी दोनों के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन नॉन आईटी वालों के लिए दो ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले होती है जेनरिक ट्रेनिंग, उसके बाद होती है स्ट्रीम ट्रेनिंग। जेनरिक ट्रेनिंग जो तुम्हारी होती है वो जावा, जो डिपेंड करता है कि उनको कौन सी फील्ड पे तुमको वर्क करवाना है, तो जेनरिक ट्रेनिंग तुम्हारी उस पर होगी। और स्ट्रीम ट्रेनिंग, जब तुम्हारी जेनरिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, स्ट्रीम ट्रेनिंग उसके बाद तुम्हें मिलेगी, वो भी उन्हीं पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रीम पे आपको देना चाहते हैं, जैसे कि फुल स्टैक हो गया, स्वैप हो गया, इस तरीके से। और नॉन और आईटी वालों के लिए ये रहता है कि सीधे सीधे स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है, जनरल ट्रेनिंग उनके लिए नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ के आते हैं जावा वगैरह, इसलिए उनके लिए स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है। वो भी डिपेंड करती है कि कौन सा आपको स्ट्रीम उनको प्रोवाइड कराना है। ओके, सो एज ही सेड कि पहले ट्रेनिंग होगा, देन उसके बाद अभी कोई एज अ लाइक अभी हम कह नहीं सकते एक्चुअली किस टेक स्टैक पे आप एक्चुअली में वर्क करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये यार एक बहुत बहुत बड़ा पेन पॉइंट है मोस्टली जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, लाइक बीटेक, एमसीए, बीसीए। लाइक क्या होता है कि हम सब कॉलेज में पढ़ते हैं और मोस्टली टायर थ्री कॉलेज से, जैसे हम लोग जहाँ से आते हैं, तो वहाँ पे यार ऑफ ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है कि यार ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी हम कैसे ढूंढें, हमें पता ही नहीं चल पाता है लाइक कि हम कहाँ से अप्लाई करें, कहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं। तो आपको कैसे पता चला कि यार इन्फोसिस में यहाँ वैकेंसीज निकली हैं, या फिर मतलब आपने मल्टीपल जगह अप्लाई किया होगा, सो कैसे मतलब ऑफ कैंपस के लिए, अगर मुझे जैसे मैं एक फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ पर किस वेबसाइट, अगर कुछ आप वेबसाइट्स बताना चाहो या कुछ लिंक्स देना चाहो कि जहाँ से हम ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छा सोर्स है हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं कि आपकी इस कंपनी में हायरिंग निकल रही है, तो आप वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं उस कंपनी के लिए। वरना फिर यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ से आप, वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इस कंपनी में इतनी हायरिंग निकल रही है, तो आप लोग वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं कंपनी के लिए। सो इसके अलावा बाकी हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं लाइक ग्लासडोर, naukri.com, ऐसी वेबसाइट से भी हम ढूंढ सकते हैं। और जैसे कि हर्षिता ने बताया कि लिंक्डइन एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है हमें, सो लिंक्डइन पर मस्ट एक्टिव हो जाओ। जो भी लिंक्डइन पर, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, और मैंने ऑलरेडी उससे रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, और हर्षिता का लिंक्डइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उससे पूछ सकते हो और मुझे भी फॉलो कर सकते हो। सो अब थोड़ा सा यार मुझे एलोबरेट करके बताओ, लाइक आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एक्चुअली क्या रही आपकी, जब आपने, आपको पता चला कि आपने अप्लाई किया, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल्स वगैरह आए होंगे, तो आपको पता चला आपका इंटरव्यू, तो एक्चुअली क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उस टाइम में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब आपने क्या सोचा और किस तरह से प्रिपरेशन की? तो सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए सबसे पहले हमारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा उसको क्लियर करने के लिए। जब आपका एप्टीट्यूड में वाले टेस्ट में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके पास फिर आता है इंटरव्यू के लिए मेल। तो अगर आप, जब आपका इंटरव्यू के लिए मेल आ जाए, तो सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऊप्स के कॉन्सेप्ट। आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि मोस्टली वो भले ही आपको लैंग्वेज ज़्यादा ना पूछे कि आपको जावा से पूछें या पाइथन से पूछें, लेकिन आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछेंगे ही पूछेंगे वो।
तो आपको सबसे ज्यादा वो प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद वो आपसे आपकी लैंग्वेज पूछेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज पे आप सुटेबल हो। फॉर्म इंटरव्यू से होने से पहले आपको एक सर्वे फॉर्म भी फिल करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, आप किस किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, ये सब। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ऊप्स आनी चाहिए, नथिंग एल्स। सो एज ही सेड, सी शेयर। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज यूज ऑफ ही एंड शी। ओके, एज ही सेड की जैसे उसने बताया कि ऊप्स कॉन्सेप्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे ऊप्स कॉन्सेप्ट की सीरीज दे रहा हूँ, तो अभी तक आपने वो एक्सेस नहीं की तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, सो मस्ट चेक इट आउट। ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एक्चुअली डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे होते हैं और आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, है ना। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। लैंग्वेज तो हम कोई भी सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट या जो आपको अच्छी लगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, बट मोस्ट प्रेफर्ड जो रहती है कोई भी एक ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज हो तो वो ज़्यादा बेटर है, और मोस्टली उसमें सी प्लस प्लस या जावा को सभी सजेस्ट करते हैं, और मैं यार जावा पढ़ा ही रहा हूँ तो यार लाइक कर दो इसी बात पे इस वीडियो को। ठीक है हर्षिता, सो हमने आपकी जर्नी जानी, सारा कुछ जाना। नाउ अगर जैसे मैं बात करूँ कि आप अपने से छोटी हर्षिता को, लाइक अगर आपका कोई जूनियर है और आपने यार शायद आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे लाइक अभी इस इंफोसिस की जर्नी से पहले, सो उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक रही होंगी, तो कोई एक मिस्टेक अगर आप शेयर करना चाहो जो कि आपका कोई जूनियर अगर आपको देखे तो यार वो मिस्टेक वो ना करें, सो ऐसा कुछ अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो तो मिस्टेक में तो यही बोलूँगी कि जो मैंने की थी उसमें ये था कि जैसे मुझे अपने जो मुझे क्वेश्चंस पुराने जो मैं लगा चुकी हूँ, अगर मैंने वो लगा लिए एक बार और मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया इंटरव्यू के टाइम, और बाद में जो मेन क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू के मैंने वो प्रिपेयर कर लिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एग्जामिनर बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने वो बहुत पहले लगा चुके होंगे लेकिन आपको एकदम से दिमाग में स्टक नहीं करते उस टाइम। तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चंस या सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ने, आपको बेसिक क्वेश्चंस भी पढ़ के जाने हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि एग्जाम ना कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो मतलब ये है कि लाइक फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स के बिना कुछ नहीं होने वाला। सो हम भी जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए या हम लैंग्वेजेस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे फंडामेंटल्स पे पहले फोकस होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्लोली स्लोली करो लेकिन अच्छे से लर्न करते रहो। तो हर्षिता, लेट्स बाइंड दिस इंटरव्यू, बट उससे पहले जस्ट एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि अगर आप कुछ अपने एडवाइस देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, लाइक आपने भी एमसीए किया है, मैं भी एमसीए स्टूडेंट हूँ, सो हम सब एमसीए या फिर जो बीटेक और जो बीसीए वाले स्टूडेंट हैं उनको अगर कुछ एडवाइस देना चाहें, बिकॉज नाउ अडेज जैसे जैसे धीमे धीमे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है मार्केट में, सो अगर आप अपने जूनियर्स को कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहें कि वो किस तरीके से ऐसे एमएनसीज में पार्ट ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में, किस तरीके से वो अपना करियर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, लाइक फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। तो आपको सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है और आपको कौन सी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप नहीं कर सकते कोई भी चीज़। तो जैसे आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर में जाना है तो आप लोग उसके रिलेटेड स्किल्स डेवलप कीजिए, लाइक बेसिक तो हमारा होता है HTML, CSS, Bootstrap, और आप एडवांस टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो रिएक्ट, एंगुलर, Node.js, तो आप उससे रिलेटेड स्किल्स पढ़िए। आपको अगर बैकएंड में जाना है तो आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट आप अपने अच्छे से कीजिए, थोड़ा बहुत DBMS पढ़िए लाइक MongoDB, SQL, और आप कोई भी एक ऊप्स से रिलेटेड लैंग्वेज लाइक जावा, C++, पाइथन, इसको कंप्लीट कीजिए। और आपको अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों आना चाहिए, तो दोनों का बेसिक तो आपको पढ़ना है ही, और अगर आपको उसमें से कोई एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए तो आपके लिए वो और बेनिफिशियल होगा। तो यही मेरी एडवाइस होगी। सो जस्ट सी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अबाउट वेब टेक्नोलॉजी, सो जिन लोगों को अगर वेब नहीं आइडिया है ज़्यादा, सो आप लोग जब आप पढ़ोगे चीज़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी एडवाइस एट द एंड यही है कि आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, अगर मैं इसको समराइज करके बोलूँ कि आपका जो भी स्ट्रीम है आपने अपना एक डोमेन जो है वो सिलेक्ट करके रखना है कि मुझे इस डोमेन में जाना है, वेब में जाना है या फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में जाना है, फुल स्टैक या ऐप डेवलपमेंट, जहाँ पर भी जा रहे हो अपना स्ट्रीम बिल्कुल अपना क्लियर फोकस रखना है। सो थैंक यू सो मच हर्षिता फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की यू है। थैंक यू।